बने डिजिटल किसान पाएं अधिक मुनाफा। किसान हैं, खेती में मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन मुनाफा नहीं कमा पाते। आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा चुका है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ई नाम। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर आप डिजिटल किसान बन सकते हैं और अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। आखिर ये ई नाम है क्या, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ई नाम का फायदा क्या है, गांव जंक्शन की इस रिपोर्ट में इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये ई नाम है क्या। ई नाम की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है। ई नाम की मदद से घर बैठे किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, अपनी उपज के वाजिब दाम भी हासिल कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म किसान, व्यापारी और खरीदार को एक मंच पर लेकर आया है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम योजना का उद्देश्य बाजार में उचित बिक्री सुविधाओं और सही कीमतों के लिए एक बाजार मंच देना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम नामक ऑनलाइन स्कीम से किसानों को जोड़ा है। बता दें कि ई नाम का ऑनलाइन पोर्टल होने के साथ साथ इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है, जिससे किसान घर बैठे फसलों के दाम, खरीद बिक्री और भुगतान की सुविधा ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म किसानों को शोषण से बचाकर उनकी उपज का वाजिब दाम दिलवाने में मददगार है। ई नाम मोबाइल ऐप हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगला और उड़िया समेत कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं में मौजूद है। ई नाम मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ ई नाम पोर्टल पर किसानों के लिए फसलों की खरीद बिक्री के साथ साथ भीम यूपीआई के जरिए भुगतान करने की सुविधा भी मौजूद है। यही कारण है कि इस प्लेटफॉर्म को वन नेशन वन मार्केट का नाम भी दिया गया है, जिस पर देश के ज्यादातर कृषि हितधारक एक साथ जुड़ते हैं और कृषि मार्केटिंग को बेहतर बनाते हैं। कृषि मंत्रालय इससे जुड़ी हर जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करता रहता है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक ई नाम की मदद से किसान बिचौलियों से बच सकते हैं, फसल उपज पर बेहतर उनको दाम मिलेगा, दूसरे राज्यों में भी व्यापार संभव है। ये एक पूर्ण पारदर्शिता वाला प्लेटफॉर्म है। बता दें कि किसान खुद को ई नाम के ट्रेडिंग पोर्टल पर रजिस्टर भी कर सकते हैं और घर बैठे ई नाम ट्रेडिंग पोर्टल पर अपनी उपज की बोली लगा सकते हैं। जिन व्यापारियों को उपज को खरीदना है वो खुद ही उपज को खेतों से ले जाता है, बदले में किसान को ऑनलाइन पेमेंट मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप enam.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। गांव जंक्शन की इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। इनाम से जुड़ी ये जानकारी अगर आपके काम की है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। गांव जंक्शन के लिए नैन्सी वाजपेयी की रिपोर्ट।